ये हो गई है बिल्कुल साफ, ये हो गई अंडे की तरह साफ, वरना हम जो है कचरे वाली बेचते हैं ऐसी जैसी वो पड़ी हुई है। ठीक है, ये कौन से पीस हो रहे हैं? ये हो रहे हैं टिक्के के पीस, ये कहलाएगा टिक्का टू पीस में। अच्छा, पूरी मुर्गी होगी ये फोर पीस में टिक्का। वो किस तरह होगी? ये होगा ये फोर पीस में टिक्का, ये फोर पीस टिक्का अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो लेके आया हूँ कि कौन से चिकन के पीस किस डिश के लिए यूज़ होते हैं, और चिकन की जो वेस्टेज है वो किस लिए यूज़ होती है, और चिकन के जो विंग है वो किस लिए यूज़ होते हैं। ये सब मालूमात आपको इस वीडियो मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप मेरे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनती हैं, ये सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है। तो मेरे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो चिकन कट रहा है भाई, देखने जरा आप। पहले वो ये है हमारी चिकन, आपको देंगे साफ करके। सही, तो साफ हो रही है चिकन? ये हो गई है बिल्कुल साफ, ये हो गई अंडे की तरह साफ, वरना हम जो है कचरे वाली बेचते हैं ऐसी जैसी वो पड़ी हुई है। ठीक है, ये कौन से पीस हो रहे हैं? ये हो रहे हैं टिक्के के पीस, ये कहलाएगा टिक्का टू पीस में। अच्छा, पूरी मुर्गी होगी ये फोर पीस में टिक्का। वो किस तरह होगी? ये होगा ये फोर पीस में टिक्का, ये फोर पीस टिक्का अपना। ठीक है, रोस्ट जो है सिक्स भी होते हैं एट भी होते हैं। अच्छा, ये है पहले सिक्स, ये टू, ये होगा एट। ठीक है, एक यानी के एट पीस होगा रोस्ट पूरे, भी है अपना पूरे मुर्गी मुर्गी का मुर्गी के एट होंगे रोस्ट में। ठीक है, अगर हम इसको बिरयानी बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएंगे बारह, बारह ये तीन, ये चार, ये छः, ये दो आठ। सही है, रोस्ट ये बिरयानी की बिरयानी होगा, ये हो गई है बिरयानी। ठीक है, अगर आप इसको कोरमा करना चाहते हैं ये दो, सोलह पीस होंगे, ये चार, ये हुआ सात। ये मुर्गी बड़ी, ये मुर्गी थोड़ी अपनी बड़ी है, इसका अढ़ाना भी कर सकते हैं हम। अच्छा अच्छा, यस। लेकिन दो किलो की मुर्गी थी, कितने की थी? ये भी बाद में वेट करेंगे हम, पहले आइडिया ले रहे हैं। ये होगा कोरमे के, कोरमा कढ़ाई दोनों में आप यूज कर सकते हो। हो गया कोरमा कढ़ाई, बाजे टाइम पे लोग लेक साबुत भी रखवाते हैं, लेक साबुत अच्छा, इसको ऐसे रखवाते हैं कि पकने के बाद टूटे नहीं लेक। अच्छा अच्छा, ये हो गया कोरमा। अब थोड़ा यहाँ रख के दिखाओ जरा इसको, कितने देखें, ये हमारा लेक साबुत होगा, ये कोरमा हो गया। ठीक है, जितनी छोटी मुर्गी होगी उतनी खूबसूरती आएगी सालन में। सही, ठीक है, और बड़ी मुर्गी का यही फायदा है कि उसका सीना बड़ा होता है। सीना बड़ा होता है, सीना बड़ा होता है, इसका हम बोलीज में निकाल सकते हैं, मतलब सौ मामला कर सकते हैं बड़ी मुर्गी के अंदर। सही, टोटल सोलह पीस होगा जी। कोरमा बिरयानी दोनों में चलेगा? कोरमा भी चल सकता है, बिरयानी में भी, कढ़ाई में भी चल जाएगा, कढ़ाई में भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये मुर्गी का जो वेस्टेज होता है ये कहाँ जाता है? वेस्टेज जो है वेस्टेज तो ज़्यादा आपके गले में आता है। अच्छा, ठीक है, बाजे टाइम कस्टमर ऐसा भी होता है कि साफ चीज़ लेना पसंद करता है, जो अच्छी फैमिली से होता है अच्छी चीज़ लेने वाला होता है तो वो साफ चीज़ लेता है। अच्छा जी, तो जाता कहीं वेस्टेज? वेस्टेज ये जाता है, ये सी फी वाले ले जाते हैं, वैसे तो मूसा कालू नहीं जाता है, हमारे वेस्टेज का दोबारा तेल निकल के डालडा के डब्बे में आता है। डालडा के डब्बे में? यस, सही सही सही। और बाकी से कलेजी पोटा वगैरह इसका क्या होता है? कलेजी, कलेजी जो हमारी यूज़ होती है ज़्यादा घर वाले यूज़ करते हैं, वरना उससे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं होटल वाले यूज़ करते हैं। सौ रुपये की प्लेट चलाते हैं, बीस रुपये की एक उनको कलेजी पड़ती है हमारी। अच्छा अच्छा, बीस रुपये की एक पड़ती है? बीस की एक पड़ती है, सौ की वो प्लेट बेचते हैं, उनको अस्सी रुपये प्रॉफिट होता है इसमें। सही सही। पोटा जो है सीख वाले ले जाते हैं ज़्यादा? पोटा ये है ना जी, पोटा ये ज़्यादा सीख वाले ले जाते हैं, नहीं तो कस्टमर ले जाते हैं बिल्लियों के लिए, चीलों के लिए, इन मामलों में काम आ जाता है हमारा पोटा। सही, और ये चर्बी जो है? चर्बी इसका तेल निकलता है, तेल को भी तेल निकलता है जी। और आंते वगैरह जो है? आंते आंतों का फीड बनती है, फीड बनती है। ये हमारे पर है, जो बड़े खुशी से खाते हैं मसाला लगवा के। अच्छा, ये भी खाया जाता है जी, इनको पहले बॉयल करा जाएगा, फिर इनके बर्न ऊंचे जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ये बॉयल होने के बाद आराम से पर जो है अंदर से साफ निकल जाएगा, फिर ये सीख में चार लगेंगे, बीस रुपये के चार मिलेंगे आपको।
आप तो जान ही नहीं सकते आप क्या खा रहे हैं। अच्छा, विंग लगेगा पूरा जी। क्या वो पंजे, पंजे बता दो पंजे। हमारे पाए ये वैसे हैं तो बहुत काम की चीज। जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, ये हर तकलीफ की बीमारी के लिए है। इसका आप दो टाइम छूटते हैं, एक सुबह एक रात को छोटे वक्त। आपका सीना वीना कुछ भी जाम होगा इंशाल्लाह तआला अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। और बस ये पूरी मुर्गी हो गई टोटल, पूरी मुर्गी अपने हो गए टोटल। ये तो अच्छा है ना, बरकत हो जाएगी थोड़ा। तो टोटल 16 पीस है ना ये? यस 16 पीस है सर ये। ओके चलो पैक कर देते हैं। कितना है, कितने पीस? दो से तीन। चलिए मैंने 16 पीस इस तरीके से बनाए कि पूरी मुर्गी जो है पौने 2 किलो हुई है, मतलब 2 किलो गोश्त था इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखिए हमारे साफ सुथरे 16 पीसेस में वेस्टेज कुछ भी नहीं है। अच्छा, बस धोएं और आप पकाएं इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन किस्म की वीडियोस ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।